अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसे 5 वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो कोई पहले से ही कमीशन के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट our topic that is anomaly, बेतरतीबी से, something that is abnormal, unclear and oddity। anomaly जिस चीज़ की समझ ना हो या odd सी हो उसको हम anomaly कहते हैं। as a synonymous abnormal, unclear and oddity। anomaly a found genetic anomaly in his blood sample that is an example of anomaly। it means that having no order or oddity, that's called anomaly, and that is abnormal, uncertain, and that a thing in which we don't know that what belongs to or what's happening, so we call it anomaly। and the next word is equivocal। equivocal it means that mutashabah, open to more than one interpretation, ambiguous, and it has synonyms that is undeterminate or vague। equivocal एक ऐसी चीज़ जो कि गैर वाज़े, और हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी जानिब न जा रही हो, सो हम उसे इक्विवोकल कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल द रिज़ल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वाज इक्विवोकल। इट मीन्स कि जो रिज़ल्ट आई इन्वेस्टिगेशन के वो किसी की भी तरफ न गई हो या किसी की भी जानिब से न गई हो, उसी हम इक्विवोकल कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोडिगल। it means fuzul kharch, and it has a synonymous that is extravagant, or we can say it that is wasteful। so example prodigal habits die hard, so it means that a person who is wasting money, we can say it that it has a prodigal habits of wasting money। और द फोर्थ वन इज़ एब्स्टेन, जिसकी माना है दूर रहना। ये लफ्ज़ इसका सिनोनिम्स है रिस्ट्रिक्ट और फॉरबिड, जिसकी माना है दूर रहना, चाहे कोई चीज़ एक शख्स के लिए ख़तरनाक हो या ख़राब हो, चाहे उसकी सेहत के लिए या किसी दुनिया के लिए, वहाँ पर हम एब्स्टेन यूज़ करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है द डॉक्टर ऑर्डर हिम टू एब्स्टेन फ्रॉम बीयर। डॉक्टर इसको हुक्म किया कि ये बीयर से दूर रहे, क्योंकि जो बीयर उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, इसलिए डॉक्टर उसको ऑर्डर किया, सख्ती से ऑर्डर किया कि वो बीयर से दूर रहे। और जो हमारे पास एक आखिरी लास्ट वर्ड है वो है लूसिड, जिसकी माना है वाजे। इसके सिनोनिम्स हैं अंडरस्टैंडेबल एंड कोहेरेंट। सो फॉर एग्जांपल टुडेज लेक्चर वाज सो लूसिड दैट एवरीवन कुड इजीली एब्जॉर्ब। इसकी माना है कि आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही इजीली था, वाजे था, जिसको हर कोई एब्जॉर्ब और अंडरस्टैंड कर सका। सो उसी जगह पर हम लूसिड यूज़ करते हैं। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल। और अगर जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।